नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 9 मई सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर के बाद डूंगरपुर में राजस्थान पुलिस ने प्राइवेट बस में 1321 किलो चांदी पकड़ी है। चांदी के साथ ही बस से 173 किलो मोती, 202 किलो नगीना, 210 ग्राम सोना और 56 लाख कैश भी बरामद हुआ है। जब्त चांदी की कीमत 8,49,00,000 रुपए बताई जा रही है। ये सारा सामान बस के नीचे अलग से तहखाना बनाकर भरा हुआ था। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। ये बस आगरा से अहमदाबाद गुजरात जा रही थी। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना संकट के चलते 2 साल बाद 23 जून से ये यात्रा शुरू होगी। इस साल रिकॉर्ड यात्रा को देखते हुए भोले बाबा के अनंत भक्तों में भी गजब का उत्साह है। यात्रा के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से खाद्य पदार्थों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें यात्रियों की सेहत का विशेष ध्यान रखा गया है। यात्रा मार्ग पर तले और फास्ट फूड के बजाय पौष्टिक और हल्का आहार मिलेगा। ये सूची लंगर स्टॉल, फूड स्टॉलों, दुकानों और यात्रा मार्ग के अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू हो गई है। अलीगढ़ से बदले मेन्यू के हिसाब से ओम श्री अमरनाथ सेवा मंडल अलीगढ़ खाद्य वस्तुओं को यात्रा के लिए भेजेगा। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को राजस्थान के नहरी क्षेत्र के दौरे पर आएंगे। नड्डा 10 मई को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में बीकानेर संभाग के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बूथ जीता तो चुनाव जीता थीम पर नड्डा कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। राजस्थान में बीजेपी अपने 52,000 बूथों को अब पूरी तरह से सक्रिय करने जा रही है, जहां 11 लाख कार्यकर्ताओं की फौज पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक करेगी। एशिया और अफ्रीका के देशों में टिड्डी को लेकर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नमी बढ़ने के साथ ही भारत में टिड्डी का खतरा फिर से मंडरा सकता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर जिले की कई घाटियों में एकल टिड्डी मिली है, जो अरब सागर से कुछ दूरी पर है। ईरान में भी टिड्डी रिपोर्ट की गई है। देश के राजस्थान और गुजरात के सर्वे में टिड्डी नहीं मिली। अगले महीने भारत में मानसून आने और नमी युक्त मौसम मिलने से टिड्डी हमले की आशंका बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती महंगाई और कोविड 19 संबंधी क्लेम्स के कारण जारी वित्त वर्ष में स्वास्थ्य बीमा महंगा होने का अनुमान है। कई कंपनियां पहले ही ऐसा कर चुकी है और कई कंपनियां आने वाले समय में खुदरा बीमा महंगा करने की योजना बना रही हैं। दरअसल कोविड 19 के दौरान बीमा कंपनियों पर क्लेम्स का अधिक बोझ पड़ा है। बीमा कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए खुदरा स्वास्थ्य उत्पादों की कीमत में 15-20% की बढ़ोतरी की योजना बना रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लंबे अरसे बाद हो रही द्वितीय वेतन श्रृंखला शिक्षक भर्ती 2022 की आवेदन प्रक्रिया ने अभ्यर्थियों को खासा उलझा दिया है। इस बार आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला ईजाद किया है। बिना किसी पूर्व सूचना के शुरू किए गए इस फॉर्मूले का असर ये हो रहा है कि भर्ती आवेदन के अब महज 2 दिन शेष रहे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। OTR के तहत अभ्यर्थी को एक बार अपने समस्त शैक्षिक प्रशैक्षिक डिग्रियों एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स की जानकारी देनी है। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 48 में प्रकाश रोड पर जियो मोबाइल टावर लगाने के विरोध में सोमवार को क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि घनी आबादी क्षेत्र में इस टावर के कारण बीमारी बढ़ने का अंदेशा है। यहां स्कूल व हॉस्पिटल भी है। लोगों का कहना है कि कंपनी के पास टावर लगाने की अनुमति नहीं है। पुरानी अनुमति के आधार पर घनी आबादी में टावर लगाया जा रहा है। सीकर में आज मीना और मीणा विवाद को खत्म करने को लेकर मीणा समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए जल्द ही इस विवाद को समाप्त करने की मांग की। समाज के लोगों ने बताया कि मीणा समाज के बच्चों को इस विवाद के चलते लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ सीकर के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अजमेर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पानी को लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं। सोमवार को वार्ड नंबर 6 के बड़ी नागफणी इलाके के हवा महल क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने इस दौरान वार्ड पार्षद पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। नगर निगम के वार्ड नंबर 6 में बड़ी नागफणी इलाके के हवा महल क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रवासी शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव रवि शर्मा के साथ गंज स्थित जलदाय विभाग पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। सूर्य नगरी में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर रखा है। जोधपुर में दिन का तापमान 44 डिग्री तक जा पहुंचा है, वहीं रात का तापमान भी उछलते हुए 32 डिग्री के करीब जा पहुंचा। ये इस मौसम की सबसे गर्म रात रही। रात का तापमान बढ़ने के कारण लोगों को न दिन में चैन मिल पा रहा है और न ही रात को सुकून। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन तापमान और बढ़ सकता है।
बांसवाड़ा दौरे पर प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी सरकार से नाराज, अपने ही लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। घाटोल प्रधान हरकू देवी और उनके पति पूनम चंद्र निनामा ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रधान बोली कि सरकार के आदेश के बाद भी विकास अधिकारी सीट पर हैं, इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों के कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। प्रधान और उनके पति का गुस्सा देख वरिष्ठ नेताओं ने बंद कमरे में बैठकर बातचीत करने की सलाह दी। इस पर प्रधान पति उखड़ गए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बसों का संचालन करेगा। इस कड़ी में आगामी दिनों में प्रदेश भर में होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा व कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के लिए निःशुल्क बसें चलाई जाएंगी। ये परीक्षाएं 13 मई से 10 जून तक अलग अलग तिथियों पर होंगी। सीएचए अभ्यर्थी महापंचायत करने की तैयारियां कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि चावला ने बताया कि नर्सेज डे के दिन जयपुर में होने वाली महापंचायत में करीब 50,000 लोगों को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत में करीब 75 संगठनों को न्योता दिया जाएगा। इसमें सर्व समाज, राजनीतिक दल, छात्र संगठन और छात्र संघ अध्यक्षों को प्रदेश भर से बुलाया जा रहा है। करीब 28,000 की संख्या में सीएचए अभ्यर्थी की संख्या है और जिन संगठनों को बुलावा दिया जा रहा है वो भी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर में महापंचायत में शामिल होंगे। अजमेर के आनासागर झील में मिले 2,000 के नकली नोट बाजार में चलाने के लिए तैयार किए गए थे, जिन्हें राजस्थान में अलग अलग जगह चलाने की तैयारी की गई थी। पुलिस को नकली नोट चलाने वाले गिरोह के सक्रिय होने की भी आशंका है। पुलिस झील के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस झील में पुलिस को 2,000 के नोटों के 58 बंडल में से 4,474 नोट यानी कुल 89,48,000 रुपये के नकली नोट मिले थे। गंगापुर सिटी में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जयपुर डिस्कॉम के निदेशक और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष मनीष शर्मा के साथ उपखंड ए प्रथम और ए द्वितीय के अधिकारियों ने सहायक अभियंता को प्रबंध निदेशक जयपुर डिस्कॉम के नाम और उप जिला कलेक्टर अनिल कुमार चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।